हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। चलिए आज बनाते हैं बिना प्याज लहसुन दे के बंद गोभी का सब्जी। बहुत ही स्वादिष्ट, आप इसको रोटी चावल या खिचड़ी के साथ भी खा सकते हैं, और उपवास व्रत में तो ऑब्वियसली खा सकते हैं। तो यहाँ पर ही मेरा पास में तो उबला हुआ आलू था, फ्रिज में पड़ा हुआ था, तो उसी को यूज़ कर लिए। आपके पास में अगर ना हो तो आप कच्चे आलू से भी इस सब्जी को बना सकते हैं। थोड़ा सा हल्दी डाल के हम इसको फ्राई कर ले रहे हैं। फ्राई कर लेने से सब्जी का जो है स्वाद वो बढ़ जाता है, तो इसीलिए हम थोड़ा सा फ्राई कर लिए हैं तेल में। सारे आलू को निकाल देते हैं एक प्लेट में, और उसी तेल में हम 5 फोड़न, 1 तेज़पत्ता और 3 सूखा मिर्चा को डाल दिए हैं। बढ़िया से चटक जाए उसका बाद में हम इसमें थोड़ा सा हींग को डाल देते हैं, क्योंकि बिना प्याज लहसुन से बना रहे हैं तो इसलिए हींग को डाल दिए। और इसमें कुछ सूखा मसाला जैसे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, धनिया पाउडर को डाल दिए हैं, और कोई भी मसाला इसमें नहीं जाएगा। आप चाहें तो तीखी वाला लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। 1 इंच अदरक को कूट लिए थे उसको डाल दिए। आप चाहें तो पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो अदरक बढ़िया से कुक होने के बाद हम यहाँ पर ही आधा बंद गोभी को काट के रखे थे उसको डाल देते हैं। डाल के अच्छा से हम लोग मिला लेंगे। पहले थोड़ा थोड़ा डाल के मिलाते हैं मसाला, नीचे से जल ना जाए बोल के। तो मसाला को अच्छा से हम लोग मिला लिए। ऊपर से हम स्वाद अनुसार नमक को डाल दिए हैं। आज हम नया वाला मोबाइल लिए हैं, उसी में ही हम इसको शूटिंग कर रहे हैं, और अच्छा से ये कैमरा जो है काम तो कर रहा है, लेकिन सेटिंग अच्छा से नहीं हुआ है, इसलिए कलर थोड़ा इधर उधर आ रहा है। तो अब इसमें हम उबला हुआ जो आलू को हम फ्राई करके रखे थे उसको डाल देते हैं और अच्छा से मिला लेते हैं। बंद गोभी जब अच्छा से गल जाए उसका बाद ही हम आलू को डालेंगे, क्योंकि आलू तो ऐसे ही उबला हुआ है और फ्राई भी किया हुआ है, तो इसके लिए हम लोग बंद गोभी अच्छा से गलने के बाद ही ये करेंगे। देखिए इस यहाँ पर ही हम थोड़ा सा कैमरा को सेटिंग किए तो थोड़ा अच्छा से व्यू दिखा रहा। हम जब भुवनेश्वर गए थे तो वहाँ पर मेरा मोबाइल गिर के टूट गया पूरा, तो बड़बी लाने के बाद ही हम नया मोबाइल लिए, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एडजस्टमेंट है, वो बहुत ताक झाम करना पड़ा, तो इसलिए हम वीडियो भी पोस्ट नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पर ही हम गरम मसाला को डाल दिए हैं, क्योंकि हम टाटा टाटा से भुवनेश्वर ऐसे ही घूमे जा रहे हैं, इनका तबीयत तो ज़रा ख़राब है, तो इसीलिए बड़बिल में तो अच्छा कोई मतलब डॉक्टर अच्छा नहीं है, तो इसके लिए हम लोग उनको बाहर ही जाना पड़ता है दिखाने के लिए। तो यहाँ पर ही हम 1 चम्मच देसी घी को डाल दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर प्याज लहसुन नहीं डाले हैं इसलिए। तो अच्छा से मिलाने के बाद हम लोग उनका सब्जी जो है एकदम स्वादिष्ट वाला बन के तैयार हो गया है। तो अब इसको हम लोग रोटी के साथ में सर्व करेंगे। हम रोटी के साथ ही बनाए हैं, आप इसको खिचड़ी चावल के साथ भी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। यहाँ पर देखिए हम प्लेटिंग कर चुके हैं। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और जितने भी नए दोस्त देख रहे हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक तुरंत पहुंच जाए। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ गाइस, एंड जय जगन्नाथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देख रहे ना गाइस, ऐसे करके आप खाइए, हम आपको एक निवाला खिला रहे हैं। बहुत ही गजब का टेस्ट बना था, जबकि बच्चा एकदम नहीं खाता है, तो मेरे दोनों बेटे भी खा लिए हैं। ओके गाइस, बाय बाय।